बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फार्माकोलॉजी चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ एंटीसेप्टिक, तो ये जोसेफ लिस्टर थे। नंबर टू पे है, ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसमें करेक्ट आंसर है मिनरल्स, क्योंकि ये हमें बताया गया है कि गोल्ड सॉल्ट्स जो हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल होती हैं। नंबर थ्री है, ड्रग्स दैट स्लो नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग आर कैटेगराइज्ड एज, तो सेडेटिव्स होती हैं जो कि सीएनएस के फंक्शन को स्लो कर देती हैं। नंबर फोर, वैक्सीनेशंस कैन बी एडमिनिस्टर्ड, अब वैक्सीन ये थोड़ा गलत दिया हुआ है, इसमें होना चाहिए कि वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड, और ये है बिफोर इन्फेक्शन, क्योंकि वो प्रिवेंट करती हैं। नंबर फाइव है, द सब्सटेंस विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कैन बी कंसिडर्ड एज, इसका करेक्ट आंसर है बैक्टीरियो स्टैटिक। दो टाइप की एंटीबायोटिक्स होती हैं, बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियो स्टैटिक। बैक्टीरियो स्टैटिक वो होती हैं जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। एमसीक्यू नंबर सिक्स है, कि हारिस इज एडिक्टेड टू अ ड्रग विच लेफ्ट द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन हारिस, इनके हारिस एक ड्रग से एडिक्टेड है और उसको ये सब कुछ हो रहा है, जैसे ब्लरिंग ऑफ विजन, मेकिंग अनसीन फेसेस इन इमेजिनेशन, यूफोरिया, यूफोरिया यानी कि खुश होने का एक इमेजिनरी चीज़। अब इसमें आइडेंटिफाई करना आपको ड्रग को कि किस से हारिस एडिक्टेड है, तो ये हेलुसिनोजेंस हैं जिनके ये इफ़ेक्ट होते हैं। नंबर सेवन है, विच वन इज़ नॉट द इफ़ेक्ट ऑफ मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो इसमें करेक्ट आंसर है इम्यूनाइजेशन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में ये इम्पॉर्टेंट है कि वाई एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफ़ेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, इसका आंसर आपको पेज नंबर 192 पे मिल जाएगा, मगर इतना तफसीलन नहीं है। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं बेसिकली बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं, क्योंकि वो आइदर बैक्टीरिसाइडल होती हैं या बैक्टीरियो स्टैटिक होती हैं, और ये के एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर सेल वॉल पे अफेक्ट करती हैं और वायरस की कोई सेल वॉल नहीं होती है। और इसके अलावा ये कि एंटीबायोटिक्स हेल्प आउट कर सकती हैं वायरल इन्फेक्शंस में, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस के साथ कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स अफेक्ट कर सकती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई द सेडेटिव्स आर यूज्ड फॉर, तो ये एक तरह से डेफिनेशन ऑफ सेडेटिव्स है, ये हमने डिस्कस की थी और ये आपको बुक में पेज 189 पे मिल जाएगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है इसमें ये है कि इज़ इट पॉसिबल टू गेट ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स, नेम सम ऑफ देम, इसका भी आंसर पेज 186 पे मिलेगा, जहाँ नेचुरल सोर्सेस ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स बताया गया है। इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है उसमें है, डू वी हैव एनी हार्म ऑफ एंटीबायोटिक्स, इफ़ सो मेंशन देम, या ये इस तरह भी आ सकता है कि व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो ये पेज नंबर 193 पे इसका आपको आंसर मिल जाएगा। हाउ वैक्सीन वर्क अगेंस्ट पैथोजन, एक्सप्लेन द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो ये पेज 193 पे इसका आंसर मिलेगा, साथ में आपको 194 पे जो डायग्राम है जो हमने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था वो भी आपको इसमें इम्पॉर्टेंट है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम और क्वेश्चन है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको डेफिनेशंस आ सकती हैं डिफरेंट चीज़ों की, जिसमें वैक्सीन है, एंटीबायोटिक है, और इम्यूनाइजेशन है, एंटीसेप्टिक्स हैं, मेडिसिनल ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स और सेडेटिव्स, इन सब की डेफिनेशंस इम्पॉर्टेंट हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस में यूजेस ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स आ सकती हैं, जो कि आपको पेज नंबर 187 पे मिल जाएगा, उसके चार यूजेस होते हैं वो आपको लिखने हैं। और एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स
एंड इट्स टाइप्स। अब यहाँ पे बुक में ये लॉन्ग क्वेश्चन में दिया गया है कि हाउ बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा और इसका आंसर आपको पेज 193 पे मिल जाएगा। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो बुक में दिया गया है वो है डिस्क्राइब द मोड ऑफ वैक्सीनेशन, ये वही क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी दिया गया है कि हाउ वैक्सीन वर्क अगेंस्ट पैथोजन, इसमें डायग्राम भी बनाना होगा और आपको पूरा यानी कि वर्किंग ऑफ वैक्सीनेशन बतानी होगी। एक लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ये भी है कि राइट अ नोट ऑन ड्रग एडिक्शन एंड इट्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, या फिर ये कि वाई एडिक्शन इज कंसिडर्ड एज अ हार्मफुल कंडीशन, तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 189 से 190 में मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके हेल्पफुल साबित होगी और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस याद करने में इम्तिहान में फ़ायदा देगी। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करें, कमेंट दें और सब्सक्राइब करें।